दोस्तों स्वागत है आपका हमारे EIS, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक। तो स्वागत है आपका सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास, जो कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई ये सब्जेक्ट आप CA में पढ़ के हो रहे हो कितना रेलिवेंस है और किस तरह से आप थ्योरेटिकल नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं, केवल लॉजिक जो आप रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हो उसी से लेकर उसको कैसे एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक जा सकते हो। तो भाई बहुत ही आसान सा है एक सब्जेक्ट, लेकिन जो है लोग इसमें सबसे ज़्यादा फेल हो रहे होते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की करने चाह रहा हूँ अपना जो है एक्सपीरियंस, अपनी जो है बातें, अपना टीचिंग स्टाइल के साथ, और जो है आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। भाई मेरा सिंपल सा पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको कोई भी नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सिंपल और सिंपल उठाता हूँ एक कॉमन वर्ड, जो डेफिनेशन होती है कॉमन वर्ड, और आपको बताता हूँ जो ये मीनिंग है ना, ये ही सारा सब कुछ है। सपोज़ जो है एक टॉपिक है सिस्टम, तो सिस्टम क्या होता है, आप क्या सोचते हो उस लेके एक्चुअल में क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, EIS में इसका कितना रेलिवेंस है, ये सारी चीज़ें लेके फिर मैं आपको असली में जो लिखा हुआ है CA ने जो लिख के दिया है, ICI ने जो लिख के दिया है आपके स्टडी मटेरियल में, उसके साथ बात करूँगा, बस और कुछ नहीं। मतलब कि जो है भाई सिंपल सा जो मेरा है फंडा वो ये है कि डिक्शनरी मीनिंग को पकड़ो और उसी से लेके जो है आपको समझाओ कि क्या चीज़ होती है। तो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो भाई अगर जो है कुछ लोग जो है पुराने कोर्स के हैं और नए कोर्स में शिफ्ट कर रहे हैं, या जो है आपके लिए पहला है ये, तो सबसे पहले ये समझो कि इसकी ज़रूरत क्यों है। और उससे भी पहले जानने का सबसे पहला पर्पज़ ये है कि ये भाई है क्या चीज़, ठीक है। अब जो है ICI आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है भाई जाओगे CA बन जाओगे तो आपको क्या काम करना होता है, टैक्सेशन एडवाइजरी, या जो है आपको ऑडिट का परफॉर्म करना होता है। अब देखो यार, हर एक बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अगर आप जो है कहीं भी चले जाओ, ऐसा बहुत ही रेयर है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा हो, ठीक है। अब जो है ICI ना छोटे लेवल वाले बिजनेस के बारे में नहीं सोचता, वो क्या सोचता है, जो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा होता है ICI, क्या कर रहा है हमारा अपने जो है इंडियन सिस्टम को, अपने इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को, अपने इंडियन ऑडिटिंग सिस्टम को, सारे चीज़ों को मर्ज कर रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। और ये ऐसा हर एक अकाउंटिंग बॉडी कर रही है, इसलिए वो जो है ये सोचता है कि भाई हमारा बंदा, हमारा CA जो ICAI के अंडर पास होके जा रहा है, बाहर ऑडिट करने गया, बाहर किसी को एडवाइस देने गया, या को आगे जो है उसने जो है कुछ और फाइनेंशियल कंसल्टेंट बना, तो भाई वो बंदा कॉपअप कैसे कर पाएगा टेक्नोलॉजी से। तो आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज़ दी जाती है, एक जो है बेसिक पाथ प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप जो है ऐसे ऑडिट में आपकी हेल्प हो जाएगी, ये ऐसे आपको कर लोगे। सिस्टम क्या होता है भाई, सिस्टम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीन शब्द हैं ये, ठीक है। समझते हैं तीनों शब्द क्या हैं और क्यों जरूरत पड़ने वाली है हमें। सिस्टम क्या होता है आपको पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से जो मिलकर बना होता है, फॉर्म हुआ होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है कि सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड रूप से चलती रहें, सबको एक ही चीज़ समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्या यही है ना सिस्टम भाई, गलत बोल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना, और समझ में आ रहा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो है भाई एक ऐसा कुछ चिट्ठा, एक कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको पता चल जाए कि ये है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है आप पास हो जाते हो, आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। कैसे पता चलता है आपका रिजल्ट आ गया, जो आपकी मार्कशीट आ रही होती है ICI की, ICI की साइट पे जो मार्कशीट आ रही होती है, ऊपर लिखा होता है जो ये सारा चिट्ठा होता है, यही तो होती है इन्फॉर्मेशन भाई। क्या होती है इन्फॉर्मेशन, आप जो है व्हाट्सएप से खटखट खटखट मैसेज टाइप करके भेज रहे होते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे होते हो, या कहीं भी मैसेज भेज रहे होते हो,
वो भी तो इन्फॉर्मेशन ही है भाई। इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? जानकारी, आप प्रोवाइड कर रहे हो जानकारी। एग्जीक्यूटिव क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव मीन्स हो गया कि सीनियर लेवल पे जो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट तीन तरह के लेवल का होता है, इतना तो भाई आपको पता हो है और मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा। तीन लेवल का होता है, टॉप लेवल, मीडियम लेवल और जो है आपका लोअर लेवल। तो जो है ऊपर वाले लेवल है उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप तीनों के एक साथ मर्ज कर दो तो क्या बनेगा आपका, या क्या चीज़ बनेगी? बनेगा कि जो है भाई टॉप लेवल के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सिस्टम में होनी चाहिए, और वही सारी चीज़ें बातें करने वाला हूँ मैं अगले कुछ वीडियोज़ में। और अगले सारे वीडियोज़ में भाई सिंपलीफाइड तरीके से आपको ये पता चल जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है EIS में, बस केवल इतना सा है आपको समझना है कि भाई टॉप लेवल पे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है जो कि सिस्टमैटिक रूप से होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और जो है नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें जो है जाके हमें सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ भी हमसे जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं रेगुलरली पोल लेता रहता हूँ आप लोगों के साथ। और जो है नीचे कोई अगर आपको दिक्कत हो, अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना, और अपने जो भी दोस्तों लेने जा रहे हो EIS की क्लासेस उनसे कह देना कि भाई रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, EIS बहुत ही बहुत आसान चीज़ है। तो दोस्तों लास्ट में जाते जाते बस आपसे एक ही ये बात कि दोस्तों पढ़ने के लिए नहीं सीखने के लिए पढ़े, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। जय हिंद।